नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की। जो यहां आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के चलते तख्ता पलट हो चुका है, शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता जा चुकी है, उनके हाथ से आधी शिवसेना भी यहाँ पर चली गई है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना के जो नेता हैं वो लगातार शिंदे और साथ ही बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, फिर चाहे वो संजय राउत हो या फिर शिवसेना नेता दीपाली सैयद। जो यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में दीपाली सैयद ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी जरा सुनिए। घर वापसी तो होनी चाहिए, मेरा तो एक मन की इच्छा है कि एक घर है, घर में दो भाग नहीं होने चाहिए, कितना भी हो तो मुख्य दोनों भी। हमारे आज मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, ये दोनों भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। आज ये पूरा घर एक है, इन घर में दो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये होने वाला। अभी आपने जिक्र किया कि जो मीडिएटर की भूमिका निभाएगा वो बीजेपी की तरफ से होगा, इनका इनके तरफ वो बहुत जल्द आपको पता चलेगा। मुझे वो इतना कॉन्फिडेंट है, आपने टाइमलाइन भी डाला है दो दिन का कि दो दिन में ये मिलेंगे। जो हालात है करंटली दोनों गुटों के बीच में, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल होगा, तो किस ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? जो मैंने जिस तरह से मैं जहाँ पे मैं सब जगह गई हूँ, जैसे जैसे मैं मिली हूँ, तो दोनों के सब बात में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं पे हर एक के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं पे ईगो हट हो रहा है दोनों गुट में। वो ईगो अगर टूट जाएगा तो ये सारी चीजें हो जाने वाली है, और ये बात करे वो बात करे, मैं बात करूं वो बात करे, इसी में अटकी हुई ये चीज है। तो ये बहुत जल्द आपके सामने ही प्रेजेंट हो जाएगा कि ये सारा चीज टूट जाएगा और हम एक साथ। तो ये मानने की आपकी खुद की भावना है, आप ऐसा सोचते हैं, इसका कोई कॉन्क्रीट तत्व भी नहीं है, देयर इज नो प्रूफ एज सच। प्रूफ देखो, हर एक चीज आप अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर एक कार्यकर्ता, हर एक दोनों गुट में हर एक आमदार भी यही चाहते हैं अंदर की, उनकी फीलिंग है कि ये हो जाए, और ये होने के लिए किसी ना किसी को आगे बढ़ना है। मैंने इस ट्वीट में दोनों को भी टैग किया हुआ है, इम्पोर्टेंट लोगों को, जो उनकी भी उनकी तरफ से भी वो फीलिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा और ये होने वाला है। जी, मैंने पंकजा मुंडे जी को भी किया है। पंकजा मुंडे जी ने तो खुद बोला है कि भाजपा और शिवसेना एक होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरह संजय राउत के बयान आ रहे हैं, शिंदे कैंप को उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो गई, तो आपको लगता है कहीं संजय राउत के बयानों के चलते मामला बिगड़ सकता है? तो आपकी देखो, वो उनका काम कर रहे हैं, वो हमारे ज्येष्ठ नेता हैं और उनका जो फीलिंग है वो बोल रहे हैं। जैसे मेरी फीलिंग है वो मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि उनको, मैं जो बोल रही हूँ उनको पसंद नहीं है। शायद सबको अच्छा लगता होगा कि सब एक साथ आएंगे, तो सब किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो संजय राउत जी का भी यही मायना है कि वो ये अगर बोलते कि उनके कहने से हम नहीं आ रहे, तो वैसा कुछ नहीं। और मैं भी संजय राउत जी को बोलूंगी कि वो भी स्टॉप करें, आगे बातचीत करनी चाहिए, उद्धव जी को आगे आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले संजय राउत जी ने कुछ ऐसा सा वक्तव्य किया, तो उन्होंने कहा कि हम आने वाले थे तो हम नहीं आए, फिर हम रुक गए, तो फिर वहां पे वो अगर स्टॉप हो जाएगी कुछ इसमें, तो मुझे लगता है दोनों के एक स्टेप इन्होंने बढ़ाया और एक स्टेप इन्होंने बढ़ाया, तो दोनों मामला फिक्स हो जाएगा। उन्होंने कंडीशन डाली है, अगर बोले घर का मामला है तो उन्होंने बोला है कि हम बीजेपी के साथ ही आएंगे, उससे भी कहना चाहिए अभी बात आपको लगता है? नहीं, जो भी है अभी जो जो अच्छा है, देखो हमारे उद्धव जी हमारे कुटुंब प्रमुख है, और जो हमारे लिए अच्छा है, जो कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है, वो हम सब उनके बच्चे हैं। जो हमारे शिवसेना के लिए अच्छा है, पूरा संगठन के लिए जो अच्छा है, वही वो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर उसके लिए हमारी अगर नैसर्गिक युति हो रही है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो
थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा कि दीपाली सैयद के इस बयान से कहीं ना कहीं एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन देने के बाद उद्धव ठाकरे और बीजेपी की गठबंधन की जो खबरें हैं वो रफ्तार पकड़ रही हैं। ऐसे में यहां पर दीपाली सैयद के इस बयान से एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोटिंग चल रही है। उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को तो दे दिया है, लेकिन इस समर्थन के बाद क्या बीजेपी और शिवसेना अब एक साथ हो पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।